सो हेलो एंड व्हाट्सएप गेमर्स, और जो एवेंजर्स एंडगेम देख के आ गए हैं उनके लिए यार, उनको तो काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये मूवी जो है ना, ये थिएटर में देखने वाली मूवी है यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग मूवी है। और आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, कोई आप पे खासा असर होगा नहीं। बस बीच बीच में अगर मुंह से गलती से निकल जाए यार, अब पेट में उतनी बात तो पचेगी नहीं मेरे। तो मैं आपको फिर भी कहूँगा कि अगर आपने वीडियो मतलब नहीं देखी है मूवी, तो इस वीडियो को आप ना ही देखो तो सही रहेगा। वैसे अब तक तो सभी ने ये मूवी देख ली होगी। तो फ्रेंड बात करें इस मूवी में, काफ़ी अच्छी मूवी है, मैं इसको दूंगा अपने तरफ से 10 में से 10 स्टार। थोड़ी सी भी एक गलती होगी, कुछ भी नहीं है इस मूवी में। एक होता है ना परफेक्शन, वो परफेक्शन वाली मूवी है ये, देख के काफ़ी मज़ा आया। और जो कुछ मूवीज़ होती है ना जो हॉल में देखने वाली होती है, ये बिल्कुल वही मूवी है यार। एक मतलब बड़े पर्दे पे काफ़ी हिट गई है अभी तक ये। आप इसके रिव्यूज़ वगैरह देखेंगे कि इसने अभी वर्ल्ड वाइड कितनी कमाई की है, तो बहुत कमा लिया यार, और ये डिज़र्व करती है मूवी कमाना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग मूवी है। इसी के साथ जो हमारा मार्वल का फेज 3 है उसका एंड होता है, और हमारे कई सुपर स्टार्स जो थे, कई मतलब हीरोज़ थे, सुपर हीरोज़, उन्होंने अब MCU को लीव करा है, जिसमें हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऑल्सो नोन एज टोनी स्टार्क, आयरन मैन, और हम सबके चहीते फेवरेट, मेरे दिल से पसंदीदा सुपर हीरो आयरन मैन ने भी ये MCU लीव कर दिया है। क्रिस एवांस ने तो कंफर्म कर ही दिया था ट्वीट करके, और काफ़ी सेटिस्फाइड एंडिंग मिली है इस मूवी में हर कैरेक्टर को, और कहीं से भी कुछ गलती नहीं हुई है, ठीक है। और इसका मतलब जो VFX वगैरह सारी चीज़ें कमाल की एकदम थी इसमें। आपको ये तो पता ही होगा, देखिए मैं कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं दे रहा हूँ कि टाइम ट्रैवल का, ये तो आपको पता होगा कि इस मूवी में होने वाला था। तो फ्रेंड टाइम ट्रैवल जब हम करवाते हैं किसी मूवी में, तो उससे होता क्या है, टाइमलाइन में गड़बड़ आती है, और जो हमारे मन में सवाल उठते हैं कि ये इस टाइम से ये हुआ तो उस टाइम पर कुछ चेंजेस होने चाहिए। बट इसमें फ्रेंड पूरा परफेक्शन तरीके से करा गया है, कुछ ज़्यादा खासा प्रॉब्लम आई नहीं है। MCU का कोई एक तगड़ा ट्रू फैन होगा वही इसमें कुछ वो निकाल सकता है। बट फ्रेंड काफ़ी सही चीज़ें टाइम ट्रैवल हुआ है इसमें, उन्होंने अपने इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करे और थैनोस की चुटकी का जो असर था वो बेअसर कर दिया। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है यार, ये तो आप सबको पता होगा कि टाइम ट्रैवल होने वाला है। और फ्रेंड जो टाइम ट्रैवल करने में जो दो टाइमलाइंस को इन्होंने जोड़ा है, पिछले वाले को उस वाले को, वो इतने अच्छे तरीके से जोड़ा है, और उसमें इतने अच्छे अच्छे हमें सीन्स दिखा दिए गए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मूवी है यार। आपने ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी देखिए। और ये फ्रेंड जो मूवी है ये हॉल में देखने वाली मूवी है, ये मूवी ने जो रूसो ब्रदर्स की सबसे बेस्ट क्रिएशन मैं मानता हूँ, और उन्होंने जो कि हमसे प्रॉमिस करा था कि इस मूवी में आपको एक्शन वगैरह सब मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, कॉमेडी ड्रामा भी है, और जितनी उन्होंने प्रॉमिस करी थी सभी पूरी करी। क्लाइमैक्स इस फिल्म का मेरा फेवरेट पार्ट इसका क्लाइमैक्स है यार, वो 45 मिनट का जो क्लाइमैक्स चला है उसने मुझे क्या से क्या नहीं दिखा दिया, मेरे सारे इमोशंस उन क्लाइमैक्स में बाहर आए हैं। अब वो चाहे मेरा रोना वगैरह हो वो भी बहुत निकला था एंड में। आप भी ये मूवी देखेंगे तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कैरी विथ यू लॉट्स ऑफ टिश्यूज, क्योंकि यार एंड में काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एंड में एक हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट भी था, बट सबको एक सेटिस्फाइड एंडिंग मिली है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सभी कैरेक्टर को एक सेटिस्फाइड एंडिंग मिली है तो बहुत अच्छा। और फ्रेंड इस मूवी में कुछ कैरेक्टर्स जो कि हमारे कैप्टन अमेरिका और RDJ की, ये जो उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि उनकी लास्ट मूवी है, इन कैरेक्टर को इस मूवी में मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब इनको शो करा गया है, इनकी पूरी पोटेंशियल जो थी इनके पास वो इनका दिखाया गया है इस मूवी में। थॉर और हल्के फैंस के लिए उतनी कोई, अब छोड़िए क्या ही बोलूँ मैं, आप मूवी देखिएगा आपको पता चल जाएगा। इसमें हमें अपना थॉर भी दिखाया एक नए लुक में, और हल्क भी दिखाया एक नए लुक में, और बाकी नताशा तो काफ़ी क्यूट लग रही थी इस मूवी में, और कैप्टन मार्वल वगैरह सारे सुपर हीरोज जितने भी थे MCU में सबको इस मूवी में कवर किया गया है, सबको एक अच्छी अच्छी अपनी जगह पे एक अच्छा रोल मिला है, और बखूबी सबने उसे निभाया है, और काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, परफेक्ट मूवी है, 10 में से 10 रेटिंग दूंगा। पता नहीं IMDb इसको क्या देगी, बट मेरे तरफ से तो 10 में से 10 है। कोई भी मूवी से अच्छी लगी है मुझे अभी तक देखे हुए। आखिरी बार मैंने कोई मूवी देखी थी तो मेरे आंसू निकले थे MS धोनी के, वो उस गाने में जब एक्सीडेंट होता है, बट यार फ्रेंड इस मूवी में यार रुक ही नहीं रहे थे आंसू, पहले तो जब निकले मैं पहुँच रहा था फिर भी नहीं रुक रहे थे, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा रुलाने वाली है। तो अगर आप हॉल में देखने जाएंगे तो अपने साथ टिश्यू ज़रूर रखिएगा या एक अच्छा सा रुमाल, क्योंकि वो भी गीला होने वाला है। और क्लाइमैक्स इस मूवी का बेस्ट पार्ट है, किसी भी मूवी के क्लाइमैक्स से इसका क्लाइमैक्स
बेस्ट है। और फ्रेंड ऐसी मूवीज ये बनाते हैं तभी जो एमसीयू है वो बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स से आगे है और बहुत पॉपुलर है, क्योंकि फ्रेंड इनकी जो क्रिएटिविटी और ये जो जिस तरीके से अपने सुपरस्टार का अपने सुपर हीरोज का पूरा पोटेंशियल दिखाते हैं लाइन बाय लाइन, जैसे इस मूवी में इतना, इस मूवी में इतना ताकतवर, ये इनकी काफ़ी अच्छी बात है। अब हमें शायद आगे हमें और देखने को मिल जाएगा हल्क का, और देखिएगा यार मूवी में आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू था। मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, नहीं देखी अब तक तो जल्दी जाइए यार, हॉल में देखने वाली मूवी है ये। इसको आप ये फ़ोन में हॉल के प्रिंट में देखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना सबके साथ वहाँ पे शोर मचाने में आएगा। पूरे क्लाइमैक्स में जो हॉल था पूरा हॉल चिल्ला रहा था। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही था, ये था मेरी तरफ से एक रिव्यू, स्पॉइलर फ्री रिव्यू एवेंजर एंड गेम का, जो कि मुझे काफ़ी पसंदीदा मूवी है और काफ़ी अच्छी लगी है मूवी, तो आप भी ज़रूर देखिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और गेमिंग चैनल तो गेमिंग वीडियो आएगी नेक्स्ट, ये तो बस एक अपनी इमोशंस वगैरह को अपने एक्सप्रेशन को आपके सामने रखने के लिए था। तो बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।